हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे कोई ना कोई करंट की आप की एक न्यूज़ देखते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ तो हिंदू की, तो आपके जितने भी डेली वो कैप्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ में, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स के साथ में, उसको हम कवर करते हैं। और आज के लेक्चर में अगर मैं बात करूँ तो टीचर्स डे के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक। उसके बेसिस पे हम लोग बेसिकली आपके राधा कृष्णन जी के बारे में देखने वाले हैं, जिनके अगर आप देखेंगे उन्हीं को कॉमेमोरेट करने के लिए आपका टीचर्स डे मनाया जाता है। सो बेसिक मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं, आई एम एन टीचर एट अन अकेडमी, ठीक है। तो ये आप मेरे को बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप देखेंगे तो अन अकेडमी पर बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे मेरे। डेली हिंदू एनालिसिस होती है, NCERT समरीज है आपकी, इंपॉर्टेंट करंट प्लेसेस होते हैं न्यूज़ में जो आप देख सकते हैं, वीकली क्विजेज होती हैं, देन इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट होता है जो आपका बेसिकली न्यूज़ से लिंक रहता है, उसको हम कवर करते हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जिसको आप देख सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है अकेडमी पे, आई टीच इन UPSC CSE कैटेगरी, तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बारे में, ठीक है। क्यों हम इनके बारे में देख रहे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं, टीचर्स डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन September 5, द डे कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन। अगर हम बात करेंगे, आपको पता है कि हमारा जो टीचर्स डे है वो हर साल September 5 को मनाया जाता है, और ये जो बेसिकली डे है ये कॉमेमोरेट करता है आपकी बर्थ एनिवर्सरी, किनकी बर्थ एनिवर्सरी, आपके डॉक्टर राधा कृष्णन जी की, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके बहुत सारे, आप UPSC की बात करिए, स्टेट PSCs की बात करिए, बाकी और वन डे एग्जामिनेशंस की बात करिए, जहाँ पर आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है ना। कंटिन्यू करते हैं इनके बारे में, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो पूरा नाम है, ही वॉज बॉर्न ऑन September 5, 1888 इन थिरुथानी तमिलनाडु, ठीक। तो इनका जो जन्म है वो 5 सितंबर 1888 को आपको देखने को मिल जाएगा, कहाँ पर, तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है थिरुथानी। ही वॉज इंडियाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकेंड प्रेसिडेंट। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे भारत के, ठीक है, पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। हिज फिलोसफी एंड लिटरेरी वर्क, ठीक है। तो ये तो बेसिकली इनका थोड़ा सा हो गया कि इनका जन्म कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर के रूप में क्या क्या ये पोस्ट ले चुके हैं। अब इनके इंपॉर्टेंट फिलोसफी या लिटरेरी वर्क्स को देख लेते हैं, जो भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। हिज बुक की बात करते हैं, द फिलोसफी और फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर अट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन इन इंडियन फिलोसफी। अगर आप इंडियन फिलोसफी की बात करेंगे तो ग्लोबल यानी पूरे वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा इनको नाम मिला था, किस चीज़ के लिए, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बुक है वो कौन सी, किसके द्वारा लिखी गई, बेसिकली राधा कृष्णन जी के द्वारा। हिज फिलोसफी वॉज ग्राउंडेड इन अद्वैत वेदांत, ठीक है। सो आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम अद्वैत वेदांत बोलते हैं, इनकी फिलोसफी ज़्यादातर उसी पे ग्राउंडेड थी। ही डिफेंडेड हिंदुइज्म अगेंस्ट यूनिफॉर्म्ड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म एंड प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी हिंदू आइडेंटिटी। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने हिंदुइज्म की बेसिकली रक्षा की थी, किससे, जो भी आपका यूनिफॉर्म्ड बेसिकली वेस्टर्न क्रिटिसिज्म था ना, पाश्चात्य का जो बेसिकली अगर आप कहेंगे क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिला था, उससे हमारे हिंदुइज्म को डिफेंड किया था एंड बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था इन्होंने हमारी हिंदू आइडेंटिटी ना, जो भी आपकी कंटेम्प्रेरी हिंदू आइडेंटिटी है उसको बनाने में, उसको फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया था आपके राधा कृष्णन जी ने। हिज अदर वर्क्स की बात करते हैं, अब कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क जिसको आप देख सकते हैं जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 1923 से 1927 के बीच में इंडियन फिलोसफी आप देख चुके हैं, देन आपका द फिलोसफी ऑफ उपनिषद्स जो बेसिकली आपका 24 में आया था, ठीक है। एन आइडलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो वो भी 1932 में आपको देखने को मिलता है। ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट की बात करते हैं 1939 में, ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस, ये भी बेसिकली इनका वर्क है जो आपको 1955 में देखने को मिल जाएगा। तो दीज आर इंपॉर्टेंट वर्क जिसको आप देख सकते हैं आपके राधा कृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक। सारे के सारे आपको याद रखने हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फिलोसफी एंड द अदर फिलोसफीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अगर आप देखेंगे बेसिक सब क्वेश्चन के फॉर्म में ना, क्वेश्चन के पार्ट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ना। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं तो पोजिशंस, हेल्थ, अवार्ड्स या ऑनर्स, कौन
कौन कौन सी पोजीशन है जो बेसिकली ये हेल्ड कर चुके हैं, क्या अवार्ड है और कौन कौन से ऑनर इनको मिल चुके हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट एंड दूसरे प्रेसिडेंट ये बन चुके हैं। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, जो आपके इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। ठीक है, 1954 की अगर आप बात करेंगे, राधा कृष्णन जी को भारत रत्न मिल चुका है एंड ये आपके इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ही रिसीव्ड अ नाइटहुड इन 1931 एंड ऑनररी मेंबरशिप ऑफ द ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1963। तो ध्यान रखिएगा, 1931 में इनको बेसिकली नाइटहुड दिया गया था। साथ ही साथ आपके ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर की बात करते हैं ऑफ मेरिट की, उसमें इनको 1963 में एक ऑनररी मेंबरशिप भी प्रोवाइड की गई थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, 1948 में जो आपका यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसमें ये चेयरमैन इलेक्ट किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखिएगा कि आपके राधा कृष्णन जी को 1948 का जो यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसके लिए चेयरमैन क्या किया गया था, इलेक्ट किया गया था। अब ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हेल्पेज इंडिया ना, आपने सबने सुना होगा, एक बेसिकली लोगो आपने देखा होगा विद अ स्टिक एंड अ मैन, एक इंसान होता है वो खड़ा होता है उसको होल्ड करके, दैट इज़ हेल्प, एक बेसिकली हेल्पेज इंडिया का वो लोगो है। और रिनाउंड एनजीओ की बात करते हैं जो आपके एल्डरली या अंडर प्रिविलेज के लिए होता है। ठीक है, भारत में आई थिंक आपके स्कूल में भी आपने ज़रूर देखा होगा अलग अलग फॉर्म्स में कंट्रीब्यूशंस आते हैं, बहुत सारे ना स्कीम्स आती थी व्हेन वी वर इन दैट, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती थी ना, अगर आप इतने पैसे इकट्ठा करके दे रहे हो तो आपको कुछ बैच मिलेगा, देन वो सारी चीज़ें सिर्फ इनक्रेज करने के लिए, ताकि जो भी पैसा यहाँ से कलेक्ट होता है वो एल्डरली पीपल ये अंडर प्रिविलेज लोगों को इंडिया में हेल्प किया जा सके। ठीक है, तो हेल्पेज इंडिया के वन ऑफ द फाउंडर्स बेसिकली माने जाते हैं ये। ही हैज आल्सो फॉर्म द कृष्ण अर्पण चैरिटी ट्रस्ट, इन्होंने कृष्ण अर्पण चैरिटी ट्रस्ट को भी फॉर्म किया था, किसके साथ में, घनश्याम दास जी के साथ में, बिरला एंड सम अदर सोशल वर्कर्स इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो अगर आप घनश्याम दास बिरला जी की बात करेंगे एंड और भी बहुत सारे आपके सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनके साथ मिलकर प्री इंडिपेंडेंस एरा में इन्होंने कृष्ण अर्पण चैरिटी ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया था। ही वॉज अ फर्स्ट इंडियन टू होल्ड अ चेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, बेसिकली इनकी बात करेंगे तो ये आपके पहले इंडियन थे टू होल्ड चेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में बेसिकली एक जगह मिली थी, द स्पार्टिंग प्रोफेसर एट ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स। ठीक है, कौन से थे बेसिकली, ये ईस्टर्न रिलीजन एथिक्स की बात करते हुए एक स्पार्टिंग प्रोफेसर थे 1936 से लेकर 1952 तक। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है इनके लिए, 1930 में ही वॉज अपॉइंटेड हास्केल लेक्चरर इन कंपैरेटिव रिलीजन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके 1930 में इनको हास्केल लेक्चरर के रूप में बेसिकली अपॉइंट किया गया था कंपैरेटिव रिलीजन में, कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। तो ये बेसिकली इनके सारे के सारे अचीवमेंट्स दिखाते हैं। ठीक, सारी के सारी बेसिक हिस्ट्री है जो आप देख लीजिएगा कि कब उनका जन्म हुआ, क्यों हम मनाते हैं इसको। ठीक है, बेसिकली ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी भी लिंक फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो ये आपके डॉक्टर अगर बात करते हैं कृष्णन जी के, तो उनके बारे में सारी की सारी चीज़ें थी। अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, अगर आपको एक्सेल लर्निंग का चैनल अच्छा लग रहा है, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। जितना आप शेयर करेंगे उतना सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे, तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस डेली बेसिस पर बना सकूँ। सो आई एम बेसिकली कंपाइलिंग ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।